अस्सलामु अलैकुम। अच्छा, अगर कोई पहले कभी पढ़ा है तो उसको पता होगा, नहीं पढ़ा तो अब पता चल जाएगा। मेरी आदत है जी, क्लास की शुरुआत जो है ना वो दुरूद शरीफ से करते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा, कल तो खैर गप्पे शप्पे मार ली और पढ़ाई तो शुरू करनी है आज से, लेकिन फिर भी अगर कोई किसी का कोई और ज़रूरी सवाल रहता है, कोई परेशानी है तो पूछ लें, फिर करते हैं शुरू। कोई कन्फ्यूजन, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई एतराज़? हैं जी, किधर है, कौन है? बुक्स किसकी, आई कैब की? कल थे आप? नहीं थे। मैं एस सच राइस की बुक से नहीं पढ़ा रहा, नहीं, मैंने अपने नोट्स, लेक्चर नोट्स बनवाऊंगा और हर चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं कॉपियर के पास रखवाया करूंगा। तो अगर किसी ने राइस की बुक लेनी हो तो उसकी मर्ज़ी है, मैं उस ना मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ ना मैं आपको मना कर रहा हूँ, वो आपकी मर्ज़ी है। आई कैप की कब आएंगी वो भी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता। और कोई जी? अच्छा, फ्राइडे की क्लास जो है ना वो हम कोई तकरीबन को पौने को घंटे की किया करेंगे, क्योंकि सिर्फ फ़र्ज़ में नहीं हिस्सा लेना होता, को बंदा को हफ्ते में एक दफ़ा तो बात सुनता है तो को आधा घंटा पहले चले जाएंगे। तो मेरा ख़्याल है कि हम 1:15 मैक्सिमम ख़त्म कर देंगे क्लास। हाँ जी, और इधर हाथ उठा था किसी का? इधर भी कोई ऐसे हाथ नहीं उठा था? नहीं, शर्मा गए। अच्छा चले, ठीक है जी। अच्छा, कल मैंने बताया था कि बेशक आप लोगों ने इंट्रो पढ़ी हुई है और ये इंट्रो प्लस वाला सेशन नहीं है, फिर भी इंट्रो की क्लासेस में बैठे होना और ये खबर मिलना कि पेपर नहीं होना, तो जितनी आई हुई थी दिमाग में सब निकाल दी गई होगी। क्योंकि जब देखें, इंसान पेपर के लिए पढ़ता है ना, कोई सवाब समझ के तो कोई नहीं पढ़ता। तो जब पता है कि एग्ज़ाम नहीं होने हैं तो दिमाग में इतना हैवी वो रखने की, डाटा रखने की क्या ज़रूरत है, उसी वक्त डिलीट मार के उसको उड़ा दिया होगा। तो इसलिए मैं जितना ज़रूरी समझ रहा हूँ उतना ज़रूर रिवाइज़ करवा रहा हूँ, उतनी देर नहीं लगाऊंगा। यानी आपने जिन टीचर से पढ़ा होगा उन्होंने डेबिट क्रेडिट सिखाने में शायद आपको हफ्ता दस दिन लगाए होंगे, तो ये नहीं करूँगा, लेकिन वो सारा प्रोसीजर रिवाइज़ ज़रूर कर दूँगा, चाहे वो एक दो दिन के अंदर अंदर हो। तो सिर्फ एक रीकैप दे रहा हूँ अपनी तसल्ली के लिए, और जिन लोगों ने सारा डाटा डिलीट कर दिया था उनकी डाटा रिट्रीव करने के लिए। और अभी मैंने ग्रेड श्रेड कुछ नहीं बताया, अभी मैंने ऑफिशियली सिलेबस शुरू नहीं किया, अभी हम कुछ बेसिक रिविजन्स पे टाइम लगाएंगे। बिजनेस का मकसद प्रॉफिट कमाना, बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉफिट कमाना चाह रही है। अब जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक पूरा सेटअप होगा, क्योंकि अगर एक ही बंदे ने दुकान खोलनी है तो वो चाहे उस दुकान के ऊपर बेशक मैनेजिंग डायरेक्टर लिख ले, लेकिन सुबह ताला भी उसी ने खोलना है, गले पे भी वही बैठेगा, सफाई भी वही कर रहा होगा। तो जितना लेवल बढ़ जाएगा बिजनेस के स्केल का, ऑपरेशंस का, उतने लोग साथ मिलाने पड़ेंगे, और जब बहुत सारे लोग मिला लेंगे, ये शादियों पे अक्सर ऐसा मसला होता है कि बहुत सारे लोग इंतज़ामिया में आ जाते हैं और किसी को पता नहीं चल रहा होता कि क्या करना है, गाड़ी किसने अरेंज करनी है, टाइम किसने देखना है। तो जब पता ही नहीं किसने क्या करना है तो फिर मैस मच जाएगा। तो जब ज़्यादा लोगों को मिलाया जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएगी, तो फिर उनके फिर ड्यूटीज़, राइट्स, ड्यूटी सब अलग अलग करना पड़ेगा। तो बिजनेस जब ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है तो ये आपने तीन तरह की चीज़ें पढ़ी होंगी, सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप और कंपनी, और इनमें मेन फर्क इनकी ओनरशिप का होता है। एक ही ओनर है, मल्टीपल ओनर्स हैं,
यहाँ भी मल्टीपल ओनर्स हैं, बल्कि सिंगल मेंबर भी हो सकता है, लेकिन इसमें फॉर्मेलिटी शशके शुष्क ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, लॉ इसको गवर्न कर रहा होता है। आपने इंट्रो के अंदर ज़्यादा चीज़ें इनके हवाले से पढ़ी हुई थी। एफ आर वन में हमारा मेन फोकस कंपनी होगा और एक दो और इदारे हैं उनकी बात, वरना मेनली फोकस कंपनी पे ही है। एफ आर वन में शायद ही कोई टॉपिक, बल्कि मेरे ख्याल में कोई टॉपिक नहीं है जो हम सोल ट्रेडर का या पार्टनरशिप का पढ़ रहे होंगे। सारा फोकस कंपनी पे है और एक स्पेशल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो एक स्पेशल टॉपिक है। अदरवाइज हमने एफ आर वन में कंपनी पढ़नी है, तो ड्राइंग श्राइंग नहीं होती, ठीक है, ड्राइंग पे हम नहीं बात कर रहे होंगे एफ आर वन के अंदर। अच्छा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन काम क्या कर रही होगी, वो तो मकसद हो गया ना। अब वो सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं, गुड्स भी बेच सकते हैं, तो बिजनेस जो प्रॉफिट कमा रहा होगा, टाइप्स कह लें, या तो वो सर्विस रेंडर कर रहा होगा या गुड्स बेच रहा होगा। अच्छा, गुड्स बेच रहा होगा तो उसके पास गुड्स आएंगी कहां से, या वो खरीद रहा होगा तो ये ट्रेडिंग हो गया, या फिर वो गुड्स बना के बेचता होगा, यहां तक वो बहुत नई बात। गुड्स अगर खरीद के बेचता होगा तो वो बस गुड्स खरीदता है और बेचता है, लेकिन बना के बेचता है तो वो कोई डिफरेंट चीज खरीदता है, उसको किसी और चीज में कन्वर्ट कर लेता है। जैसे अगर एक बिजनेस है जो धागा बनाता है, तो वो खरीदता क्या होगा, कॉटन, फिर मशीनों में चढ़ा के उससे धागा बना लेता होगा, तो ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। अच्छा जी, बिजनेस के जो ओनर्स हैं वो बिजनेस कर क्यों रहे हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए। अगर उन्होंने बिजनेस से कमाया प्रॉफिट सही जानना है तो उनको एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट पे क्लैरिटी लेनी पड़ेगी, उसको कहते हैं सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये पता है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है, कि जो बिजनेस है और जो ओनर है वो दो अलग अलग एंटिटीज हैं। अगर बिजनेस के एम्प्लॉयज को सैलरी देनी है तो ये बिजनेस से रिलेटेड चीज़ है, अगर ओनर के बच्चे की स्कूल की फीस जानी है तो ये बिजनेस से रिलेटेड चीज़ नहीं है, अगर बिजनेस के ऑफिस का बिल देना है तो ये बिजनेस की चीज़ है, अगर ओनर के घर का बिल देना है तो फिर ये ओनर की ज़ाती चीज़। ये होता है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के हवाले से किसी को कोई कन्फ्यूजन, जो बिल्कुल बुनियादी चीज़ें ना वो मैं बस कहने बता के गुजरूंगा, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट ओके। अगर ओनर बिजनेस प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहा है तो उसको पता तो चले ना कि प्रॉफिट कमा कितने रहे हैं। अच्छा, अगर तो ट्रांजैक्शंस इतनी थोड़ी सी होती हैं कि अगर एक गाड़ियों का डीलर है, चलो घर का डीलर है, जिसने साल में मुश्किल से 4-5 घर बेचने हों, तो उसके लिए प्रॉफिट कैलकुलेट करना उंगलियों पे कैलकुलेट हो सकता है। लेकिन अगर एक बिजनेस है जो हज़ारों लाखों यूनिट्स बना रहा है, बेच रहा है, 1500 एम्प्लॉयज़ हैं, तो वो अगर प्रॉफिट जानना चाहेगा तो उसको अपनी इनकम्स और खर्चे, ज़बानी याद होंगे नहीं, लिखने पड़ेंगे ना, चले लिखना शुरू करते हैं। अब वो ऐसे भी लिख सकता है कि एक डायरी, एक रजिस्टर बना ले जैसे आप लोग बनाते हैं, और उस पर अंग्रेजी लिखना शुरू कर दे, उर्दू लिखना शुरू कर दे कि आज मैंने इतनी चीज़ें अमजद को बेची, या आज मैंने कामिल से इतने पैसे लिए, आज बिजली का बिल जमा हुआ। तो अगर वो इस तरह से पूरे पूरे मज़मून ही लिखना शुरू कर देगा तो बिज़नेस की हज़ारों लाखों ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने में 6 महीने लगा देगा, और रिकॉर्ड करते करते जो रजिस्टर बना रहा होगा वो रजिस्टर के रजिस्टर बन रहे होंगे। तो कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए, कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि वो इन्फॉर्मेशन भी पूरी लिख ले, टाइम भी कम लगे, और ये भी ना हो कि उसकी राइटिंग सिर्फ वही पढ़ रहा हो, क्योंकि आपके रजिस्टर तो आप पढ़ सकते हैं ना, और तो कोई नहीं पढ़ सकता। अच्छा, इस पढ़ने से ना मुझे एक मुहावरा, वो मुझे भी कुछ अर्सा पहले ही पता चला था तो मैंने कहा चलो नॉलेज में इजाफा कर दें, एक मुहावरा शायद किसी ने सिखा हो, सुना हो, लिखे मूसा पढ़े खुदा, सुना है कभी, क्या मतलब होता है इसका, हैं नहीं मतलब लिखे मूसा पढ़े खुदा, हैं
इसमें ना हो सकता है शायद मैं ही बेवकूफ़ हूँ, आप लोग ऐसे ना हो, लेकिन मुझे बहुत अरसे तक ये लगता रहा कि लिखे मूसा मतलब हज़रत मूसा अलैहि सलाम और पढ़े खुदा मतलब अल्लाह, तो ना इसमें हज़रत मूसा का जिक्र है ना अल्लाह का जिक्र है। लिखे मूसा, मुंह कहते हैं बाल को, लिखे इतना बारीक कि वो बाल जैसा है, पढ़े खुद आ, खुद आएगा तो पढ़ेगा, ये होता है असल में मुहावरा, पढ़े खुद आ। तो आप जो रजिस्टर बना रहे होते हैं वो लिखे मूसा पढ़े खुदा, तो ऐसा कोई तरीका होना चाहिए बिजनेस की ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शंस बिजनेस की वो एक्टिविटीज जिनकी कोई रुपी वैल्यू लगाई जा सके उसको ट्रांजैक्शन बोलते हैं। जैसे बिजनेस एक शॉप है, कस्टमर आया और कस्टमर ने कहा जी माशाल्लाह बड़ी अच्छी दुकान बनाई है, हाँ हम महीने का सौदा आपसे ख़रीदेंगे, चलो ठीक है बहुत अच्छा लगा मिलकर आपसे, चला गया। अब दुकानदार खुश हुआ तो 250 रुपये की खुशी हो गई, तो 350 की खुशी हो गई उसको, नहीं मतलब इस एक्टिविटी की कोई मनी वैल्यू नहीं। अच्छा इसी तरह से एक कस्टमर आया, उसने एक साबुन ख़रीदा, 40 रुपये दिए और साबुन लेके चला गया। अब ये एक एक्टिविटी थी जिसकी को मनी वैल्यू, ये होती है ट्रांजैक्शन। तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस करके प्रॉफिट कमाने बैठा है। अगर बिजनेस बहुत बड़े स्केल का है, जो कि हाँ होगा, कंपनी बड़े स्केल का ही बिजनेस करती होगी, तो इनकी ट्रांजैक्शंस होंगी बहुत ज़्यादा। अब ओनर को ये जानना है कि मैंने कितना प्रॉफिट कमाया बिजनेस में पैसे लगा के, तो वो सारी इनकम्स और खर्चे याद तो नहीं रख सकता, तो उनको लिखना पड़ेगा। अब तरह तरह के बिजनेसेस, उनकी तरह तरह की ट्रांजैक्शंस, तो एक स्टैंडर्ड तरीका होना चाहिए उन ट्रांजैक्शंस को लिखने का, टाइम भी कम लगे, हो भी जामे, मतलब पूरी चीज़ लिखी जा चुकी हो, और ये भी ना हो कि लिखने वाला अगर मर गया तो उसके बाद कोई पढ़ ही नहीं पा रहा कि इसने लिखा गया था, हर एक को समझ आना चाहिए। तो इसके लिए कुछ ज़बान बननी चाहिए, वो ज़बान है अकाउंटिंग, मकसद ओनर्स को प्रॉफिट बताना। अच्छा प्रॉफिट बताने के लिए बिजनेस जो इनकम कमा रहा है और जो खर्चे कर रहा है उनका नेट जो होगा वही प्रॉफिट होगा ना। अगर तो ओनर हर 5 मिनट बाद पूछे कि कितना प्रॉफिट कमाया तो बिजनेस नहीं चल सकेगा, तो उसको फिर कुछ पीरियोडिक टाइम रखना पड़ेगा। जैसे आप लोग क्लासेस में पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, स्कूल सही आप पे मेहनत कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, स्टूडेंट सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, वालदेन हर 10 मिनट में बात आके पूछना शुरू कर देंगे तो वालदेन के लिए भी मुश्किल हो जाएगी, स्कूल के लिए मुश्किल होगी। तो उसका तरीका क्या रख लिया स्कूल ने, कोई पीरियोडिक रिपोर्ट्स रख ली, क्वार्टरली रिपोर्ट्स हो गई, मंथली रिपोर्ट्स हो गई, नहीं तो चलो एनुअल रिपोर्ट हो गई, पूरे साल के बाद एक रिपोर्ट बनेगी कि इस साल में आपके बच्चे ने कितना सीखा, और चूंकि इसको पढ़ने का बहुत शौक है तो हम चाह रहे हैं कि एक दफ़ा फिर इसको इस साल में पढ़ा लिया जाए। अब ये साल एक पीरियड डिसाइड हो गया जिसके बाद ये रिपोर्टिंग हो रही है। तो बेटा बिजनेस में भी ना, बिजनेस के ओनर्स अगर प्रॉफिट देखना चाहें तो वो भी एक पीरियड तय कर लेते हैं। आपके लेवल पे फिलहाल वो साल है, वरना 6 मंथली भी होता है, क्वार्टरली भी होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, लेकिन आपके लेवल पे साल है। अकाउंटेंट साल बाद ओनर को बताएगा कि आपके बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया, तो साल तक वो सारी ट्रांजैक्शंस ज़बानी याद करके रखेगा नहीं, तो फिर वो इनको रिकॉर्ड करना शुरू करेगा, और ऐसे रिकॉर्ड करेगा कि साल ख़त्म होने पे उसके लिए रिपोर्ट बनाने में आसानी हो जाए। जैसे आप अगर मेडिकल स्टोर पे कभी दवाई लेने जाएं तो दवाइयों के नाम एक तो बड़े अजीब होते हैं, लेकिन वो दुकानदार बड़ी जल्दी पहुँच जाते हैं, उसने दवाई कहाँ रखी हुई, वो वहीं रैक में जाके दवाई निकाल के ला देता है, ये बोरी में दवाइयाँ रख के क्यों नहीं ढूंढ लेता उसमें से, हैं सारी दवाइयाँ बोरी में डाल दे और बोरी खंगाले और उसमें से दवाई निकाल के दे दिया करे। अच्छी ऑर्गेनाइजेशन कैसे की होगी उस मेडिकल स्टोर वाले ने, किसी ऐसे तरीके से शोकेस में रखी होंगी कि उसको पहुंचना आसान रहे। अब वो अल्फाबेटिकल भी हो सकता है, कंपनीज के हिसाब से भी हो सकता है, इस हिसाब से भी हो सकता है कि वो एंटीबायोटिक्स हैं या पेन किलर्स हैं, इस हिसाब से भी हो सकता है, वो उसकी मर्ज़ी है। तो रखने का, दवाइयाँ रखने का, स्टोर करने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि जब निकालने की ज़रूरत पड़े तो आसानी से जल्दी मिल जाएं। ऐसे ही
अकाउंटिंग जबान इसलिए बनाई गई है कि बिजनेस ट्रांजेक्शंस को ऐसे रिकॉर्ड किया जाए कि जब ज़रूरत पड़े तो आसानी से इंफॉर्मेशन निकल सके। और बिजनेसेस चूँकि इंटरनेशनल भी होते हैं और जिन्होंने बिजनेस में पैसा लगाना होता है वो हो सकता है 4, 5, 10 तरह के बिजनेस में पैसा लगा रहे हों, हो सकता है मुल्कों से बाहर भी पैसा लगा रहे हों, तो फिर ट्रांजेक्शन्स लिखने के रूल्स भी तो फिर कॉमन होने चाहिए, या हर दुकानदार अपने रूल बना ले? कोई स्टैंडर्ड रूल होने चाहिए या हर कोई अपने रूल बना ले? उर्दू ज़बान अगर हम बोल रहे हैं तो की स्टैंडर्ड इसकी वोकैबलरी है तो हम बोल रहे हैं ना, अगर हर एक ने अपनी उर्दू ज़बान बनाई होती तो कैसे बोलते? तो अगर अकाउंटिंग एक ज़बान है, पर्पस क्या है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को ऐसे रिकॉर्ड करना कि जब कल को रिपोर्ट्स बनानी पड़े तो वो इंफॉर्मेशन आसानी से रिट्रीव हो सके, ये अकाउंटिंग ज़बान है। चूँकि ये एक ज़बान है तो इसकी भी कोई ना कोई वोकैबलरी होगी, इसके भी कोई ना कोई लिखने के तरीके होंगे। अगर एक ट्रांजैक्शन हुई है कि बिजनेस ने गुड्स 50,000 रुपए की सेल कर दी, अब ये पूरी एक ट्रांजैक्शन है, इसको लिखने वाला या तो ऐसे लिखे कि गुड्स सेल कर दी हैं और 50,000 कैश रिसीव हो गया है, ये भी रिकॉर्डिंग हो गई। लेकिन अकाउंटेंट के पास एक जादू है, वो जस्ट 2 वर्ड लिखेगा और उसको पता होगा कि इसका मतलब क्या है, जस्ट 2 वर्ड लिखेगा। तो अकाउंटिंग ज़बान के अंदर पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को कुछ वर्ड्स में समेट लिया गया है। जैसे एक वर्ड है सेल्स, बस जस्ट वर्ड सेल्स, इस वर्ड का वैसे अंग्रेजी में मतलब बेचना, कुछ भी बेचना, लेकिन अकाउंटिंग की ज़बान में, नींद आ रही है, अकाउंटिंग की ज़बान में सेल्स का मतलब है गुड्स का सेल होना। अच्छा, इसी तरह से एक वर्ड है परचेजेस, वैसे वर्ड अंग्रेजी का परचेज का क्या मतलब है? कुछ भी खरीदना, लेकिन अकाउंटेंट ने जब वर्ड कह दिया परचेजेस तो इसका मतलब है गुड्स का खरीदना। इसी तरह से एक वर्ड है बैंक, तो बैंक तो बस बैंक है, लेकिन अकाउंटिंग में जब ये वर्ड यूज हो रहा है तो इसका मतलब है बिजनेस ने जो अपना एक बैंक अकाउंट ओपन किया हुआ है, ये उस अकाउंट की बात हो रही है। तो अकाउंटिंग में हर ट्रांजैक्शन को, हर इंफॉर्मेशन को बहुत समराइज्ड तरीके से लिखने के लिए सिंगल सिंगल वर्ड्स बनाए गए हैं, उस वर्ड को कहते हैं अकाउंट। अकाउंट यानी सेल्स एक अकाउंट है, बैंक एक अकाउंट है, परचेजेस एक अकाउंट है, सैलरीज एक अकाउंट है। तो अकाउंटिंग ज़बान है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना, और इतने अच्छे सलीके से रिकॉर्ड करना कि साल बाद जब रिपोर्ट्स बनानी हो तो आसानी से इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अब इसको रिकॉर्ड करने का तरीका ये है कि हर ट्रांजेक्शन को डिफाइन करने के लिए एक वर्ड बना दिया, वोकैबलरी यही होती है ना, वोकैबलरी किसी भी ज़बान की यही होती है कि एक वर्ड होता है और वो फीलिंग्स या कुछ इंसिडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो इसी तरह अकाउंटिंग में जो वोकैबलरी है, जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, वो कहलाते हैं क्या? अकाउंट। यहाँ तक ओके? जाग रहे हैं? जी जी। वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनाने किसने? लेकिन वो तो चेंजेस होती रहती है ना, दुनिया में चेंजेस आती रहती हैं, फिर सॉफ्टवेयर की भी एक लिमिट है, उसमें भी कहीं ना कहीं खराबियां आ जाएंगी, कोई ना कोई मशीनें एडवांस होंगी तो वो बग्स आने शुरू हो जाएंगे, वायरस आने शुरू हो जाएंगे, तो उसने इम्प्रूव तो होना है। किसका? अच्छा, सॉफ्टवेयर वाले ने सिर्फ प्रोग्रामिंग करनी है, उसको क्या पता कि प्रोग्राम में क्या सेट करना है, उसको क्या पता कि कौन सी ट्रांजेक्शन अगर कंप्यूटर में एंटर होगी तो वो आगे कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होनी है, वो तो उसको नहीं बताना, वो तो हमने बताना है। अच्छा, आपका पॉइंट असल में है क्या कि ये अकाउंटिंग ज़बान अब रही क्यों है, या सीए क्यों हो रहा है, या हम यहाँ पे हैं क्यों? सारा क्यों हो रहा है?
देखें ये सवाल तो यहाँ आने से पहले का था, पहली बात तो ये, अब तो यहाँ आ गए ना, अब तो यहाँ काम शुरू भी कर दिया, वो तो और भी बहुत सारे सवाल आते हैं, लेकिन लेकिन अभी क्लास पढ़ रहे हैं यार, अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, अभी सिर्फ इतना सा जवाब दे देता हूँ कि कोई भी टेक्नोलॉजी जब एडवांस होती है उसको पूरी दुनिया में छाते हुए टाइम लगता है, और अगर वो पूरी दुनिया पे छा भी जाए फिर भी कुछ चीज़ें, कुछ इलाके, कुछ मुल्क ऐसे रह जाते हैं जो उस टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर रहे होते, जैसे स्मार्टफोन्स हैं। सारी दुनिया में ये पूरी तरह छा चुके होंगे नहीं, कई मुल्क होंगे जिनको लिफ्टिंग नहीं कराते होंगे फ़ोन्स को, कई मुल्क होंगे जहाँ पर इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं होगी, तो वो भी तो ज़िंदा रह रहे हैं ना। इसी तरह से हर बिज़नेस अफोर्ड नहीं कर सकता अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, हर बिज़नेस तो नहीं अफोर्ड कर सकता, तो फिर उनको भी तो किसी ने चलाना है। हाँ, नीड ओवर द पीरियड कम होती जाएगी और उसकी वजह से अकाउंटेंट्स अपना काम बदलते जाएंगे, जिस तरह इंजीनियर्स हैं। अब इंजीनियर कभी शुरू में लगता था कि इंजीनियर वो होता है जो सड़कें पुल बनाता है, और किसी दौर में सिविल इंजीनियरिंग टॉप पे होती थी। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती गई, इंजीनियरिंग चेंज होती गई, स्टिल हैं तो इंजीनियर्स ही। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही पहले जो सिलेबस पढ़ा करते थे होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट ही, सिलेबस चेंज होना शुरू हो जाएगा। अब आस्ता आस्ता चेंजेस आ रही हैं सिलेबस के अंदर, तो फिक्र ना करें, आप सही जगह पर हैं तो सब सही चलेगा। वैसे भी जहाँ रिश्ता करना है उनको क्या पता कि सीए क्या होता है, आपको रिश्ता मिल जाएगा। अच्छा, बिजनेस अकाउंटिंग ने बिजनेस की सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड इस तरह से करनी है कि वन वर्ड वो पूरी पूरी ट्रांजैक्शन को एक्सप्लेन कर रहा होगा। जैसे किसी भी बहुत बड़ी पॉपुलेशन की कुछ ग्रुपिंग होती है, जैसे इंसान है, इंसानों में ग्रुपिंग्स की गई हैं, हो सकता है जेंडर की बुनियाद पे, हो सकता है ज्योग्राफी की बुनियाद पे, हो सकता है रिलीजन की बुनियाद पे, मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन है ना। तो इसी तरह से जो अकाउंटिंग की ज़बान में वर्ड्स यूज़ होने हैं अकाउंट, उनकी भी क्लासिफिकेशन है। ये पांच तरह के ग्रुप्स में बांटे गए हैं। एसेट्स, लाइबिलिटीज, इक्विटी, इनकम और एक्सपेंस। क्यों बांटे गए हैं, उस क्यों पे बात आती है आगे, लेकिन ये पांच ग्रुप्स बांटे गए हैं। जितने भी अकाउंट्स होंगे वो इन पांच में से किसी एक ग्रुप में ही फॉल करते होंगे, और सिर्फ अगेन रिवीजन के लिए अगर हम इनकी एग्जाम्पल्स देखें तो बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल्स, डेटर्स, कैश, बैंक, प्री पेमेंट्स, बस बोर्ड पे इतनी जगह है। अच्छा, लायबिलिटीज की मिसाल क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर से पहले क्या वर्ड आया? अच्छा, लोन, और कोई किसी को कुछ भी पेएबल, कोई भी वर्ड साथ पेएबल लग जाए बस। एक्रूड एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम। अच्छा, ये मैं फिर बता दूँ ख़ासतौर पे ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए, हो सकता है कोई ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से कहे कि अच्छा सर इसका मतलब इंट्रो प्लस FR1 पढ़ा रहे हैं। नहीं, मैं सिर्फ कुछ ज़रूरी चीज़ें रिवाइज कर रहा हूँ, मैं उतना टाइम इस पर नहीं लगा रहा, सिर्फ रिविजन कर रहा हूँ, शायद दो तीन दिन के अंदर ख़त्म कर दूँ इस बात को। जी जी, मैं इनके नाम अभी करता हूँ एक्सप्लेन के क्या होते हैं। इक्विटी में कैपिटल, और अभी चूंकि हमने
अगले चैप्टर में पढ़ना है, इसलिए बस मैंने सिर्फ लिखा है रिजर्व्स। इस पर मैं बहुत आगे जाके बात करूँगा। इनकम में सेल्स, रेंट इनकम, इंटरेस्ट इनकम, एक्सपेंसेस में परचेजेस, सैलरीज, रेंट, ट्रैवलिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस, यूटिलिटीज, डेप्रिसिएशन, बस इतनी जगह काफी है। हम कंपनी पढ़ रहे हैं ना, कंपनी में ड्राइंग्स होती नहीं है, लेकिन चले आप जो पूछ रहे हैं तो ड्राइंग्स इक्विटी ग्रुप में आती है। किसने पूछा था? ड्राइंग्स इक्विटी ग्रुप है, लेकिन हम चूंकि कंपनी कर रहे हैं ना, इसलिए मैंने ड्राइंग्स लिखा नहीं है। ड्राइंग्स वैसे इक्विटी ग्रुप में होता है। अच्छा, अब ये पांच ग्रुप्स हैं, जितने भी अकाउंट्स बने हैं ये उलमा ने बनाए हैं एक्सपीरियंस के साथ, और हर वर्ड कोई ना कोई ट्रांजैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे बिल्डिंग, इससे मुराद बिजनेस के पास अपनी बिल्डिंग, यानी बिजनेस की ओन्ड, किराए पे ली हुई नहीं, ओन्ड, ये उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। प्लांट एंड मशीनरी, अच्छा ये मैंने मिसालें लिखी हैं, और भी बहुत सारी लंबी लिस्ट हो सकती है। प्लांट एंड मशीनरी, ये वर्ड बिजनेस के पास मौजूद फैक्ट्री में जो उसकी प्लांट एंड मशीनरी है उसको रिफ्लेक्ट कर रही है। व्हीकल्स, बिजनेस के पास जो उसकी अपनी गाड़ियां हैं इससे मुराद वो है। डेटर्स, ये भी थोड़ी देर तक बताता हूं। कैश, बिजनेस के पास जो अपना कैश है ये वो है। बैंक, जो बिजनेस ने अपना बैंक अकाउंट ओपन किया है ये उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये भी थोड़ी देर बाद। यानी इन सब में एक कॉमन बात ये लग रही है कि ये बिजनेस के रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज जिनको यूज करके बिजनेस कोई ना कोई फायदे लेगा, ये होते हैं एसेट्स। एसेट्स में वो सारे रिसोर्सेज कवर होंगे बिजनेस जिनको यूज करेगा और उनसे फायदा उठाएगा। रिसोर्सेज, एसेट्स में वो सारे अकाउंट्स कवर्ड हैं जो बिजनेस के रिसोर्सेज हैं जिनको यूज करके फ्यूचर बेनिफिट्स मिलेंगे। एक इंपॉर्टेंट है, वो लाइन बना ही लेते हैं। चलो, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री उन गुड्स को कहते हैं जो पड़ी हुई हैं पास। जैसे शॉप में गए तो उसके रैक्स में जो कुछ भी पड़ा हुआ है वो उसकी इन्वेंट्री है, वो गुड्स जो उसने बेचनी है और अभी उसके पास हैं, ये इन्वेंट्री कहलाती है। लाइबिलिटीज, ये भी बताता हूँ। लोन, बिजनेस ने लोन लिया था, बस हजम खा पी जाए, वापस करना है, वापस करना है, पैसे देने हैं। पेएबल, कुछ भी पेएबल, बिल आया हुआ है, बिल पे करना है। कोई रेंट है वो पेएबल है, रेंट पे करना है। कोई फाइन हुआ हुआ है, फाइन पेएबल पे करना है। एक्यूड एक्सपेंसेस, ये प्री पेमेंट से लिंक्ड है। एडवांस इनकम, ये भी बाद में। तो इन तीनों में या इनमें कॉमन बात ये है कि ये बिजनेस की जिम्मेदारी है, बिजनेस की ऑब्लीगेशन है, और बिजनेस के जिम्मे है तो इसने इसके अगेंस्ट यकीनन कल को कुछ पे करना होगा। तो बिजनेस के वो सारे अकाउंट्स जिनमें ये खासियत है, क्या खासियत? ऑब्लीगेशन है, जिम्मेदारी, उनको समेट के लाइबिलिटीज कहा जाता है। एसेट क्या बताए मैंने? बिजनेस के रिसोर्सेज हैं जिनको वो यूज करेगा। लाइबिलिटीज बिजनेस की ऑब्लीगेशन हैं जो उसके जिम्मे हैं। इक्विटी, बिजनेस शुरू किसने किया था? ओनर ने, और ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया। अब बिजनेस कमाएगा तो वो कमाई ओनर का हक होगी, तो जो ओनर का बिजनेस पे हक है ये इक्विटी होती है। बिजनेस करने क्या बैठा है? प्रॉफिट कमाने। प्रॉफिट कैसे कमाएगा? इनकम कमाएगा, और इनकम कमाने के लिए खर्चे करने पड़ेंगे। ये दो वो चीजें हैं। तो बिजनेस ने जो कमाई करनी है, अर्न करना है, वो बिजनेस की इनकम है। सेल्स मतलब गुड्स सेल करके जो रेंट इनकम, प्रॉपर्टी है किराए पे दी हुई है वहां से रेंट इनकम आएगी।
इंटरेस्ट इनकम, पैसा कहीं इन्वेस्ट किया हुआ, इंटरेस्ट इनकम आएगी। ये बिजनेस की अर्निंग्स हैं। तो इनकम की क्लास, इनकम का ग्रुप, जाग रहे हैं, इनकम का ग्रुप बिजनेस की अर्निंग्स वाले अकाउंट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, और एक्सपेंस खर्चे, क्योंकि बिजनेस को अर्न करने के लिए कुछ खर्च भी करना पड़ेगा, तो ये सारे खर्चे ये बिजनेस के एक्सपेंसेस कहलाते हैं। तो बिजनेस की सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है अकाउंटेंट ने। रिकॉर्डिंग कैसे करनी है? पूरे पूरे मजमून लिख के दो दो सफ़े के नहीं, दो दो वर्ड्स, एक एक वर्ड इस्तेमाल होगा बस, और इस तरीके से लिखना है कि पढ़ने वाले को भी बाद में समझ आए कि ये क्या लिखा हुआ है, कोड वर्ड्स में लिखा हुआ है। और वो जो कोड वर्ड्स हैं वो कहलाते हैं अकाउंट्स, और बिजनेस की सारी ट्रांजैक्शंस को जितने भी अकाउंट्स इस्तेमाल होते हैं वो सब पांच ग्रुप्स में बांटे जाते हैं। यहाँ तक अच्छा, मैं चूंकि आपको ये पुरानी चीज़ें रिवाइज करवा रहा हूँ, अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको लगता हो कि अच्छा नहीं ऐसे तो नहीं, मुझे तो ऐसे पता था, तो वो अभी ही क्लियर करना, ठीक है? मैं तो एक रिवीजन करा रहा हूँ बस। यहाँ तक किसी को कोई एतराज़, इख्तलाफ, परेशानी? जी, ओनर का बिजनेस पे हक, ये इक्विटी है। ओनर ने बिजनेस में पैसा लगा दिया, अब बिजनेस ने कल को उसका पैसा वापस करना है ना। ओनर का बिजनेस पे हक है ना कि मेरा बिजनेस है, मैंने इसमें पैसा लगाया हुआ है, ये इक्विटी है। इक्विटी है ओनर का बिजनेस पे हक। अभी मैं इसको एक और तरीके से भी बताता हूँ इक्विटी को। यहाँ तक कोई और इख्तलाफ, परेशानी? जी, किसी स्टोर पे आप अंडे ब्रेड खरीदने गए तो वो स्टोर खाली पड़ा होगा, वहाँ पर कहेंगे अंडे तो गए, अभी ठहरो, मुर्गी इधर हैं, या उसके पास रैक्स में चीज़ें लगी होंगी, तो वो उसने अपने पास क्यों रखी हुई हैं चीज़ें? बेचने के लिए ना। जितनी चीज़ें उसके पास वहाँ मौजूद हैं उनको इन्वेंट्री कहते हैं। नहीं, मैंने कहा कि जो चीज़ें किसी शॉप में मौजूद हैं फिजिकली, कि ये उसकी चीज़ें हैं क्योंकि उसने कल को बेचनी है, तो वहाँ फिजिकली पड़ी हुई चीज़ों को इन्वेंट्री कह रहे हैं। तो बिजनेस की चीज़ें? जी जी, बिजनेस की। ये बहुत एडवांस हो गया सवाल, अभी हम बेसिक्स रिवाइज कर रहे हैं ना, तो मतलब बहुत अखीर, तो पीएचडी का सवाल पूछ लिया, अभी तो बेसिक्स बता रहा हूँ। यहाँ तक और सवाल आपने पूछना है, अब वो मैंने बताना है कि जवाब देना है या जवाब दे देना है, वो मैंने, मेरा फैसला है। आप ज़रूर यहाँ से जो रिलेटेड पूछना है पूछा करें, ये मकसद ही ये रिवाइज कराने का, वरना ये FR1 नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ कुछ बुनियादी कॉन्सेप्ट ज़रा पक्के करना है, क्योंकि आप लोगों ने पेपर की खुशी में पढ़ना छोड़ दिया होगा, तो मैं सिर्फ कुछ चीज़ें इंश्योर करने के लिए सब कुछ बता रहा हूँ। यहीं पर आपको कोई परेशानियाँ तो बेटा अभी पूछेंगे ना, और कब पूछेंगे? यहाँ तक जी, बिजनेस ने अर्न करना है। अब वो बिजनेस क्या है? अगर एक जनरल स्टोर है तो उसने अर्न कैसे करना है? चीज़ें बेच के करना है ना। एक बार्बर शॉप है, नाई है, उसने कैसे अर्न करना है? सर्विस देनी है, कटिंग के पैसे लेने हैं। दर्जी है, उसने कैसे अर्न करना है? सिलाई के पैसे लेने। एक होटल है, खाने पीने का रेस्टोरेंट है मतलब, उन्होंने कैसे अर्न करना है? जो फूड आइटम्स हैं वो बेचनी है, ये उनकी अर्निंग्स हैं। इन अर्निंग्स के लिए उनको खर्चे भी करने पड़ रहे हैं। अब वो जो दर्जी है वो दुकान खोल के बैठेगा, उसको बिजली का बिल आया करेगा, अपने कारीगरों को तनख्वाह दिया करेगा, तो ये उसके खर्चे हो गए ना, ये एक्सपेंसेस हैं। कि बिजनेस को अपनी अर्निंग्स कमाने के लिए बिजनेस चलाना पड़ेगा, उसके लिए जो खर्च कर रहा होगा वो एक्सपेंसेस है। और पूछें, कुछ पूछना है तो चलें। चूंकि आपने पढ़ी इंट्रो हुई है ना, तो मैं आपके दिल की तसल्ली के लिए पहले इसको सोल ट्रेडर की शक्ल बता देता हूं। चल, सोल ट्रेडर की बात कर लेते हैं। आगे चल के तो कंपनी पढ़ ही लेनी है, लेकिन अभी चूंकि बेसिक्स रिवाइज करा रहा हूं तो मैंने सोल ट्रेडर बना दिया। प्रॉफिट ड्राइंग्स कैपिटल, ये इक्विटी है। अब इसमें आपने पूछना क्या चाहा था, कि प्रॉफिट इक्विटी है कि नहीं, किस वजह से? हाँ, तो वो जो प्रॉफिट है वो ओनर, जैसे जैसे बिजनेस कमाता जाएगा, प्रॉफिट कमाता जाएगा, ओनर का हक बढ़ता जाएगा ना, तो वो प्रॉफिट, हाँ बिल्कुल ओनर का हक है। ड्राइंग्स क्या होती हैं?
जो वो बिजनेस से ड्रॉ कर लेता है, यानी ये उसका हक बना, ये हक बना, और ड्रॉ कर लिया तो उसका हक कम हो गया। तो ड्राइंग्स है इक्विटी, लेकिन ड्राइंग्स रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं हक कम होने को। जब ओनर बिजनेस से पैसे ड्रॉ कर लेगा तो उसने अपना बिजनेस पे हक कम कर लिया कि और बढ़ गया? ड्रॉ कर लिया ना उसने, जग में शरबत रखा हुआ, हमारा हक है, मेरा शरबत है। अब मैं अगर उसमें से थोड़ा एक ग्लास निकाल के पी लूंगा तो कम हो गई ना चीज। तो ड्राइंग्स ओनर का बिजनेस पे हक को कम कर रही होती है, लेकिन है वो इक्विटी। प्रॉफिट, हर साल बिजनेस प्रॉफिट कमाएगा, उस प्रॉफिट कमाने से बिजनेस पे ओनर का हक और बढ़ गया क्या कम हो गया? और बढ़ गया ना, ओनर का हक ही बढ़ा ना। तो इसलिए प्रॉफिट भी इक्विटी ही से रिलेटेड चीज है। अभी मैंने पहले कंपनी लिखी थी, तो ड्राइंग्स की वजह से, प्रॉफिट की वजह से मैं सोल ट्रेडर पे आ गया। पहले सोल ट्रेडर की बात कर ले। हाँ, अच्छा, पहले सोल ट्रेडर वाली बात ओके कर दें, पहले सोल ट्रेडर की बात करते हैं। ओके, अच्छा, कंपनी पे भी आते हैं। इधर को सवाल पूछ रहा था, ये नहीं बताया मैंने अभी, ये भी नहीं बताया। सोल ट्रेडर ओके, अच्छा, कंपनी में भी ना ओनर्स होते हैं, और कंपनी के ओनर्स के क्या मामलात होते हैं ये हम इंशाल्लाह दिसंबर एंड पे कहीं या जनवरी में पढ़ रहे होंगे, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, तब बताऊंगा। कंपनी को हम करेंगे डिस्कस, लेकिन इस पर पूरा चैप्टर है, और एक नहीं दो दो चैप्टर में इसका इस्तेमाल हो रहा होगा, तब तसल्ली से एक्सप्लेन करूंगा कंपनी को। तो इसलिए अभी आपने चूंकि पहले पढ़ा हुआ है, मैं और पुराना रिवाइज कर रहा हूं, इसलिए सोल ट्रेडर की बात कर लेते हैं। तो बिजनेस की सारी ट्रांजेक्शन्स को रिफ्लेक्ट करने वाली वोकेबलरी अकाउंट है, और उन अकाउंट्स की आबादी को पांच बड़े आजमों में बांट लिया। वो क्या है? एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी, इनकम और एक्सपेंस। एसेट्स में क्या कॉमन बात है? Resources. ये बिजनेस के रिसोर्सेज हैं जिनको वो कंट्रोल कर रहा है और इस्तेमाल करेगा और फायदा उठाएगा। लायबिलिटीज बिजनेस की ऑब्लीगेशंस हैं जिनको इसको जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ेगी। इक्विटी ओनर का बिजनेस पे हक है। इनकम बिजनेस की अर्निंग्स हैं। एक्सपेंसेस बिजनेस चलाने के खर्चे। अगर एक ओनर ने बिजनेस में 1,00,000 रुपया कैश, नहीं बिजनेस में नहीं, एक ओनर ने बिजनेस 1,00,000 रुपए कैश से स्टार्ट कर लिया, एक ओनर ने 1,00,000 रुपया कैश से बिजनेस स्टार्ट कर लिया। अब जब उसने बिजनेस स्टार्ट किया तो अब अचानक बिजनेस, जैसे कंप्यूटर ऑन होता है ना, अब ये बिजनेस ऑन हो गया। अब बिजनेस बन के सोचें, बिजनेस के पास अभी इस वक्त क्या क्या इन पांच में से है? एसेट है और इक्विटी है। तो बिजनेस के पास अभी बिल्कुल एसेट है, कैश कितना? तो बिजनेस के पास इस वक्त कैश है जो कि एसेट्स ग्रुप में फॉल कर रहा है, और एक तरफ बिजनेस पे ओनर का हक बन चुका, इसको कैपिटल कहते हैं। ये एक ट्रांजेक्शन हुई है कि दो ट्रांजेक्शन हुई है? एक ट्रांजेक्शन हुई, एक ट्रांजेक्शन हुई। अब बिजनेस ने इस पैसे से 40,000 रुपए का फर्नीचर खरीद लिया। 40,000 रुपए से बिजनेस ने फर्नीचर खरीद लिया। इस ट्रांजेक्शन के बाद, या बाद नहीं, इस ट्रांजेक्शन में इन सब में से क्या क्या हिट हो रहा है? बिजनेस ने 40,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा है कैश पे करके। फर्नीचर लिखा नहीं मैंने, फर्नीचर भी एसेट होता है। फर्नीचर के 40,000 का फर्नीचर अब बिजनेस के पास आ गया और कैश चला गया, यानी बिजनेस के दो एरियाज अफेक्ट हो रहे हैं। फर्नीचर पहुंच रहा है और कैश जा रहा है। फर्नीचर का ताल्लुक भी एसेट से है और कैश का ताल्लुक भी एसेट से। ओनर के हक पे क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं। तो अब इस वक्त अगर हम इसका नेट रिजल्ट देखें तो बिजनेस के पास कैश मौजूद है 60,000, फर्नीचर मौजूद है 40,000, और बिजनेस में ओनर की इन्वेस्टमेंट है 1,00,000।
यहाँ तक कोई मुश्किल परेशानी। एक ट्रांजेक्शन बस और बताता हूँ। इस बिजनेस ने पैसे चूंकि चाहिए थे तो एक बैंक से 2 लाख रुपए का लोन ले लिया, एक बैंक से 2 लाख रुपए का लोन ले लिया, 2 लाख रुपए अब उसने ले लिए एक बैंक से लोन। इस ट्रांजैक्शन से इन सब में से क्या क्या इफेक्ट होता समझ आ रहा है? लोन लेने से पैसा पहुंच गया, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और जिम्मेदारी भी तो बन गई ना। तो इससे हुआ क्या कि बिजनेस के पास कैश पहुंचा 2 लाख, लेकिन एक जिम्मेदारी, लोन, लायबिलिटी, ये भी क्रिएट हो गई। किस ग्रुप में फॉल कर रही है ये? लायबिलिटी। अब अगर हम इनका नेट रिजल्ट देखना चाहें तो अभी बिजनेस की नेट पोजीशन क्या है? पोजीशन, अच्छा पोजीशन एक पॉइंट होता है, पोजीशन एक पॉइंट होता है, जैसे लोकेशन होती है ना, लोकेशन एक पॉइंट होता है ना, तो किसी चीज की पोजीशन, किसकी पोजीशन क्या है, तो वो एक पॉइंट होता है। तो अभी बिजनेस की पोजीशन क्या है कि इसके पास फर्नीचर है 40,000 रुपए का, कैश है, इसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं 2 लाख की, और इसमें ओनर की इन्वेस्टमेंट है, ओनर का हक 1 लाख। इतनी सी बात से मैं आपको दो बातें बताने लगा कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी, ये 3 ट्रांजैक्शन आपके सामने हैं, 1, 2, 3, तो उसके कम से कम 2 इफेक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं। कैश, कैपिटल, फर्नीचर, कैश, कैश, लोन। कोई भी ट्रांजैक्शन होगी, इन 5ों में से कम से कम 2 इफेक्ट्स जनरेट हो रहे हैं। 2 इफेक्ट्स वाली बात ओके? हो सकता है उनका ताल्लुक 2 डिफरेंट ग्रुप से हो, हो सकता है एक ही ग्रुप से हो। यहां पर एक एसेट्स था और एक इक्विटी ग्रुप से था, यहां पर दोनों एसेट्स ग्रुप से थे, लेकिन इफेक्ट्स 2 हैं। इफेक्ट्स मतलब इनमें से क्या क्या चीज रिलेट कर रही है, क्या क्या चीज हिट हो रही है, तो 2, लेकिन दोनों का ताल्लुक एसेट ग्रुप से है। ये लाल वाले में एक का एसेट से ताल्लुक है, एक का लायबिलिटी से ताल्लुक है। तो जो भी ट्रांजैक्शन होगी इनमें से कम से कम 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे होंगे। जब भी ट्रांजैक्शन होगी इनमें से कम से कम 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे होंगे, ये बात ओके? एक बात कि जब भी ट्रांजैक्शन होगी 2 अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक बात ये मैंने इससे बनाई है। दूसरी बात ये बना रहा हूं कि अगर हम किसी भी ट्रांजैक्शन के बाद पोजीशन देखना चाहें बिजनेस की, पोजीशन, तो हमें यह नजर आएगा कि बिजनेस के पास जितने एसेट्स होते हैं, कितने एसेट्स हैं बिजनेस में, उतनी ही इक्विटी भी होती है। जितने एसेट्स होते हैं उतनी इक्विटी भी होती है। फिर हमें इस नीली वाली ट्रांजैक्शन के बाद यह नजर आया कि बिजनेस के पास जितने एसेट्स हैं कितने, उतनी ही इधर, सॉरी इधर, ये इधर गया, ये हाँ, ये ट्रांजैक्शन हुई। अब पोजीशन ये है कि बिजनेस के पास कितने एसेट्स हैं, 1 लाख, और बिजनेस में इक्विटी कितनी है, 1 लाख। फिर लाल वाली ट्रांजैक्शन हुई, उसके बाद पोजीशन क्या है, एसेट्स कितने हैं, 3 लाख के, इक्विटी, तो इसका मतलब फिर इक्विटी के साथ अब मुकाबले पे और भी लाना पड़ेगा, वो आ गई लाइबिलिटीज, कितने की इक्विटी और लाइबिलिटी, तो इसको कहते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। और फाइनेंशियल पोजीशन ये है कि जब भी कभी पोजीशन देखी जाएगी तो एसेट्स बराबर होंगे इक्विटी और लाइबिलिटीज के। तो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन मींस एसेट्स, इक्विटी और लाइबिलिटी। और इन द एंड हमेशा ऐसा ही होगा कि जितने एसेट्स होंगे वो बराबर होंगे इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज के। तो इस कार्रवाई से मैंने आपको 2 चीजें बताई हैं, जब भी ट्रांजैक्शन होगी कम से कम
कम अज कम दो अकाउंट्स उससे अफेक्ट होंगे, और किसी भी पॉइंट पे अगर बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन देखना चाहें तो हमें यह नजर आएगा कि जितने एसेट्स हैं वो इक्वल हैं इक्विटी प्लस लायबिलिटीज के। और इसकी भी एक जुमला बोल रहा हूं, अगर समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तो भी जाने देना। बिजनेस के पास जो एसेट्स हैं वो बिजनेस के पास कहां से आए, या ओनर्स ने दिए होंगे या किसी लेंडर ने दिए होंगे। बिजनेस के पास अगर एसेट्स हैं तो या तो ओनर ने दिए होंगे या किसी लेंडर ने दिए होंगे, इसलिए एसेट्स इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटी, इसको कहते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। तो दो बातें क्या बताई आपको, हर ट्रांजैक्शन से कम दो अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं, और किसी भी पॉइंट पे अगर बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन देखना चाहें तो व्हाट डज इट मीन, एसेट्स इक्विटी और लायबिलिटी देखनी है, और इनका एंड रिजल्ट ये निकलेगा कि एसेट्स की टोटल अमाउंट बराबर होगी इक्विटी प्लस लायबिलिटीज के टोटल अमाउंट। यहां तक पूछना है तो जी एफआर वन में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इन अ वे है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, मतलब वो काम नहीं है कि ट्रायल हो बिजनेस का, और वो नहीं है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट ना, लेकिन एक वो जो फाइनल अकाउंट आपने पढ़े हैं ना वो नहीं है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक स्पेसिफिक टॉपिक है उसमें है, अदर देन दैट बाकी सब कंपनी से रिलेटेड टॉपिक हैं, तो उनमें नहीं है, फाइनल अकाउंट्स नहीं है सिलेबस में। हर ट्रांजैक्शन से, यार नींद आ रही है, हर ट्रांजैक्शन, अच्छा देखें, अगर आप में से कोई ऐसा है जो अपने आप को अकाउंटिंग का चीता समझता है, चीता और चीती, अपने आप को चीता चीती समझते हैं और आपको लगता है कि सर ये हमारा टाइम ज़ाया हो रहा है, तो बेशक आप दो चार दिन बाद आ जाना, लेकिन ये मेरे लिए ज़रूरी है, मुझे ये इंश्योर करना है, क्योंकि जब आप आवाज़दार शक्लें बना के बैठे होंगे ना तो फिर मुझे मुश्किल हो जाएगी। तो अगर किसी को मसला हो कि नहीं सर ये बेसिक पे नहीं टाइम ज़ाया करें, तो बेटा मेरी मजबूरी, मैंने तो करना है। तो अगर आप अपने आप को चीता चीती समझते हैं तो बेशक दो तीन दिन आज है ट्यूसडे, हाँ वो अगले मंडे से आ जाए बेशक, मैंने एक्रूअल प्री पेमेंट्स भी बताना है आपको, बैड डेट वगैरह भी बताना है, इन्वेंट्री भी बतानी है, तो अगर कोई है मसला जिसको, वो बेशक अगले मंडे से आ जाए, है जी अब आना पड़ेगा, क्यों अब ऐसा क्या कह दिया मैंने, अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन ये मनूस शक्लें बना के ना बैठ। तो हर ट्रांजैक्शन से कम दो अकाउंट से टोरें, यहां से बुनियाद पड़ती है, उसको कहते हैं डबल एंट्री। डबल एंट्री अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने को एंट्री कहते हैं, और चूंकि हर ट्रांजैक्शन से दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं इसलिए इसको डबल एंट्री कहते हैं। ये मिटा दूं, ये सारा वोट देख ले रहे एक दफा फिर से। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट भी देख लें, कुछ कैश ट्रांजेक्शन होती हैं, कुछ क्रेडिट ट्रांजेक्शन होती हैं। अच्छा हर ट्रांजेक्शन इन दो में फॉल करेगी, नहीं ये बस सिर्फ दो कॉन्सेप्ट से समझ लें, ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन भी हो सकती है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी हो सकती है। क्रेडिट मतलब उधार, उधार अगर कोई चीज खरीदी जा रही है तो पैसे तो उसके देने ही है ना, मुफ्त में तो नहीं लेके आ रहे, अगर उसी वक्त पैसे दे दिए तो ये कैश ट्रांजेक्शन है नकद, और अगर पैसे डेफर कर दिए
तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है उधार। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन मतलब उधार ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन मतलब नकद ट्रांजेक्शन। इसी तरह से बिजनेस अगर कुछ बेच रहा है तो पैसे तो अल्टीमेटली लेने ही हैं, तो अगर पैसा फौरन मिल गया, अच्छा फौरन मतलब यानी कि अच्छा 15 मिनट बाद मिला तो फिर कैश ट्रांजेक्शन, ये तो प्रोसीजर टाइम है। तो अगर कैश फौरन मिल रहा है तो ये कैश ट्रांजेक्शन है, और अगर वो डेफर हो रहा है, पेंडिंग हो रहा है, तो ही उधार ट्रांजेक्शन बनेगी ना, तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो ट्रांजेक्शन कैश यानी नकद और क्रेडिट यानी उधार, कैश और क्रेडिट। ओके यस सर। अब हमने करनी है ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड। तो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए जो जो तरीका है लिखने का, उसको कहते हैं एंट्री। एंट्री को लिखने का तरीका ये होगा कि हर ट्रांजेक्शन में कितने अकाउंट्स कम से कम अफेक्ट हो रहे हैं, दो। उनमें से एक को डेबिट बोला जाएगा और एक को क्रेडिट बोला जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे अगर गुड्स सोल्ड फॉर कैश 10,000, पहले तो बताएं इसमें कौन से दो अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं, एक सेल्स और एक कैश। कितने की सेल्स हो रही है और कैश कितना है, तो अमाउंट एक ही होगी, अमाउंट दोनों की एक ही होगी। अच्छा, इसी तरह से अगर बिजनेस अपनी शॉप का रेंट पे कर रहा है कौन से दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, रेंट एक्सपेंस है और कैश है। कितना रेंट एक्सपेंस 20,000 और कैश कितना पे कर रहे हैं 20,000। अगर गुड्स परचेज की जा रही हैं उधार पे, तो गुड्स उधार पे खरीदने से एक तो गुड्स का खरीदना परचेजेस, और उधार पे खरीदने से हमारी एक जिम्मेदारी बन गई ना, इसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है क्रेडिटर। इसको ट्रेड पेएबल भी कहते हैं, पेएबल, ट्रेड पेएबल भी कहते हैं। ये दो अकाउंट इफेक्ट हो गए, कितने की परचेजेस, कितने की जिम्मेदारी बन रही है 30,000। तो हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए पहले ये बता रहा हूं कि उसमें कम से कम दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं सेम अमाउंट के। ये तफाकन सेम अमाउंट नहीं है, वाकई सेम अमाउंट है भाई। अगर रेंट दे रहे हैं तो रेंट 20,000 का है, कैश दे रहे हैं 20,000 कैश दे रहे हैं, सेम अमाउंट, कम से कम दो इफेक्ट। इनमें से एक को डेबिट बोलना है, एक को क्रेडिट बोलना है। अब किसको डेबिट बोलना है, किसको क्रेडिट बोलना है, इसके लिए बुजुर्गों का बनाया हुआ एक रूल टेबल है। जी जी, गर्मी हो जाएगी बहुत, हब्स हो जाएगा। यार जो इसको देखो, ये ऊपर होता है, है? चल यार बंद कर दे स्विच। चलो शुक्रिया।
इस ट्रांजैक्शन में कैश पे इफेक्ट क्या पड़ रहा है, क्या इस ट्रांजैक्शन के होने से कैश बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा बिजनेस के पास? बढ़ जाएगा, कैश इस ट्रांजैक्शन में बढ़ रहा है। गुड्स बेचना, बिजनेस की अर्निंग बढ़ गई कि कम हो गई? गुड्स चली गई तो कम नहीं होंगे, अर्निंग बढ़ गई। रेंट पे किया, इससे कैश पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? कैश कम हो रहा है। बिजनेस का खर्चा रेंट बढ़ गया, इससे पहले खर्चा नहीं था, अब खर्चा हो गया तो ये बढ़ गया। गुड्स का खरीदना खर्चा है, गुड्स खरीदने से खर्चा बढ़ गया कम हो गया? गुड्स खरीदने से खर्चा बढ़ गया कम हो गया? बढ़ गया। जिम्मेदारी बढ़ गई कम हो गई? बढ़ गई जिम्मेदारी, जिम्मेदारी बढ़ गई। एसेट्स और एक्सपेंसेस, इनको डेबिट ग्रुप भी कहते हैं। अगर ट्रांजैक्शन के नतीजे में इस ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले अकाउंट को देखें, अगर एसेट्स बढ़ रहे हो तो वो अकाउंट डेबिट होगा, कम हो रहे हो तो क्रेडिट होगा। एसेट क्या है? बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो कैश डेबिट होगा। डीआर डेबिट, डीआर। एसेट क्या है? बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो क्रेडिट होगा। सीआर एसेट क्या है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। एक्सपेंस के लिए भी सेम रूल है, इसमें एक्सपेंस क्या है? रेंट। बढ़ रहा है, कम हो रहा है? रेंट बढ़े तो डेबिट, एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट, कम हो तो क्रेडिट। एक्सपेंस कम कैसे हो सकता है? पे कर दें तो एक्सपेंस कम हो जाएगा, एक्सपेंस कम कैसे हो सकता है? एक्सपेंस कम नहीं हो सकता, यानी इधर खाली छोड़ दें, टैक्स है तो उससे एक्सपेंस कम हो जाएगा। डिस्काउंट क्या? गुड्स का खरीदना खर्चा है, गुड्स खरीदेंगे एक्सपेंस बढ़ गया, खरीदी हुई चीजें वापस कर दी तो एक्सपेंस कम हो गया। गुड्स खरीदने के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है परचेजेस, वही चीजें वापस कर दें तो उसके लिए इस्तेमाल होता है परचेज रिटर्न्स, तो एक्सपेंस कम हो सकता है। और किसी वजह से रिवर्स भी हो सकती है बात, ज्यादा रेंट पे कर दिया था, नहीं नहीं बस रहने दें, रख लें आप 15 दिन का, हम बस काट देते हैं रेंट, कम भी हो सकता है, चांसेस कम है लेकिन हो सकता है। इन तीनों में ये रूल उलट है। इनमें इनकम लायबिलिटी इक्विटी, इनकम है बढ़ रही है इनकम, तो इनकम बढ़ रही है तो क्रेडिट, तो ये हो गई क्रेडिट। ये तो पूरा हो गया, इसमें क्या क्या है? ये क्या है? परचेजेस एक्सपेंस है, गुड्स खरीदना एक्सपेंस बढ़ रहा है कम हो रहा है? बढ़ रहा है, एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट। ग्रुप लायबिलिटी, गुड्स उधार पे खरीदने से लायबिलिटी बढ़ रही है कम हो रही है? बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट। तो हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का तरीका कि उसमें कम से कम दो अकाउंट्स अफेक्ट होंगे, उनमें से एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा, और डेबिट और क्रेडिट का फैसला इसके मुताबिक होगा। और वैसे तो आप बचपन में इसके लिए कुछ जर्नल वगैरह सीख के आए हैं, अभी कोई इतनी ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, इसको इस शक्ल में लिख देना और क्रेडिट को थोड़ा सा आगे करके बस, बस ये काफी है।
पहले डेबिट लिखते हैं फिर क्रेडिट लिखते हैं और क्रेडिट थोड़ा सा आगे करके, ये बस लिखने के आदाब हैं। इस चीज़ को कहते हैं एंट्री, और इन एंट्रीज करने के लिए जो बुक बनाई गई होती है उसको कहते हैं जर्नल, तो इसलिए इसको जर्नल एंट्री भी कहते हैं। जर्नल एंट्री। चलें अब कुछ ट्रांजेक्शन लिखें, क्योंकि ये बस रिवाइज कराना था। अब मैं वैरायटी ट्रांजेक्शन एक बार जरा गो थ्रू कर लेते हैं। लिखें ट्रांजेक्शन और आप लोग उनकी डबल एंट्रीज कर रहे हैं। यहां तक जितना पढ़ाया उससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन, कोई भी इतराज, कुछ भी, कोई भी सवाल, वरना अगर बेटा सवाल नहीं पूछेंगे ना, कंफ्यूजन दूर नहीं करेंगे, तो मेरा ये मकसद बिल्कुल जाया हो जाएगा, बाकी टाइम जाया हो जाएगा। इस सारे को दोहराने का, बिल्कुल बेसिक लेवल से दोहराने का बच्चे मकसद ही यही है कि किसी को कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन कमी रहती है तो वो अभी पूछ लें, यहां तक कोई भी एतराज, कोई कंफ्यूजन। चलें ट्रांजेक्शन लिखें और फिर आप उनकी डबल एंट्रीज कर रहे हैं। नंबर वन, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फॉर 50,000, 50,000। नेक्स्ट, obtained हासिल किया, obtained a loan of 2,00,000 rupees from bank, 2,00,000 rupees का लोन लिया है बैंक से। नेक्स्ट, sold goods on credit, sold goods on credit for 40,000, 40,000 rupees, जिससे goods उधार पे खरीदी होती हैं, हमारी जिम्मेदारी बन जाती है पैसे लेना, उसके लिए नाम क्या इस्तेमाल होता है, क्रेडिटर्स या ट्रेड पेएबल्स। इसी का उलट, अगर किसी को गुड्स उधार पे बेची हैं तो फिर हमारे लिए रिसीव करने का हक बन गया ना, ये एक एसेट है, हमारा हक बन गया टू रिसीव, इसके लिए डेटर्स का वर्ड यूज होता है या ट्रेड रिसीवेबल भी चलेगा। नेक्स्ट, गुड्स अमाउंटिंग टू 5,000 रुपये वर रिटर्न्ड टू सप्लायर, 5,000 रुपये की गुड्स सप्लायर को वापस कर दी। नेक्स्ट, रेंट इनकम ऑफ 8,000 रुपये वॉज रिसीव्ड इन कैश, नेक्स्ट, क्रेडिट कस्टमर रिटर्न्ड गुड्स अमाउंटिंग टू रुपीज 12,000, 12,000।
नेक्स्ट ₹9,000 वॉज पेड टू क्रेडिटर थ्रू चेक वॉज पेड टू क्रेडिटर थ्रू चेक नेक्स्ट क्रेडिट कस्टमर पेड ₹20,000 कैश ओनर मेड कैश ड्राइंग्स ऑफ ₹6,000 चलें बस जनरल एंट्रीज कर दें पूरी कल इंशाल्लाह सारे टी अकाउंट का कॉन्सेप्ट दे के लेजर ट्रायल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सीडी बैलेंस बीडी बैलेंस ये कल इंशाल्लाह क्लोज करूंगा Thank you.
हाँ जी सारे चीते यार, बाएं हाथ का खेल होगा आपके लिए तो। पहली ट्रांजेक्शन थी गुड्स खरीदी हैं क्रेडिट पे, तो गुड्स का खरीदना परचेजेस और क्रेडिट पे खरीदी हैं तो क्रेडिटर्स, परचेजेस डेबिट क्रेडिटर्स क्रेडिट। ओके दूसरा बैंक से लिया था लोन 2 लाख रुपए। अब लोन हमें बैंक से मिला है मतलब पैसे मिले हैं, तो कैश या बैंक दोनों में से जो मर्जी लिख लें, ये डेबिट और लोन लेना हमारी लायबिलिटी है तो लोन हो जाएगा क्रेडिट। ये भी ओके? यस सर। तीसरा गुड्स क्रेडिट में बेची हैं, तो गुड्स का बेचना हमारी अर्निंग बढ़ रही है सेल्स, और उधार पे बेच रहे हैं तो ये हमारा एक रिसीवेबल है, तो ट्रेड रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। इस डेबिट क्रेडिट में ना कोई भी, मैं बार बार बच्चों कह रहा हूँ कि इस सारी कार्रवाई का मकसद ही इतना है कि अगर कोई कहीं कोई मिसिंग लिंक रह गया हुआ है तो वो भर जाए, कोई भी कंफ्यूजन है तो क्लियर करिएगा। अगर आपको रट्टा लगा हुआ है कि रट्टे की बेस पे डेबिट क्रेडिट कर रहे हैं तो नहीं, ये सारी मेहनत का मकसद ये है कि आपको सब चीज़ें कॉन्सेप्चुअली ओके हों। नंबर 3 तक ओके, नंबर 4 पता नहीं मेरी नजर आ रहा है, ठीक है रट लें सीधा। हाँ जी नेक्स्ट है जी गुड्स सप्लायर को वापस कर दी, तो उधार खरीदी थी परचेजेस डेबिट क्रेडिटर्स क्रेडिट, वापस कर दी, लायबिलिटी बढ़ गई कम हो गई, जिम्मेदारी बढ़ गई कम हो गई, कम हो गई ना, कम पैसे देने तो क्रेडिटर डेबिट, लायबिलिटी कम हो गई क्रेडिटर डेबिट, और गुड्स का खरीदना एक्सपेंस था, गुड्स का वापस करना एक्सपेंस का कम होना है, और एक्सपेंस कम होगा तो क्रेडिट, तो क्रेडिटर डेबिट और परचेज रिटर्न्स क्रेडिट है जी। क्या हुआ, किधर है, कौन है, क्या पूछ रहे हो, पूछा है कुछ? अच्छा जी नेक्स्ट, रेंट इनकम मिली है हमें कैश 8,000, कैश मिला, एसेट बढ़ गया, कैश डेबिट, और रेंट इनकम हमारी एक अर्निंग है बढ़ गई तो रेंट इनकम क्रेडिट, कैश डेबिट रेंट इनकम क्रेडिट नहीं। नेक्स्ट क्रेडिट कस्टमर यानी वो जिसको क्रेडिट पे चीजें बेची हुई थी उसने कुछ गुड्स वापस कर दी हैं, जब गुड्स बेची थी अर्निंग बढ़ी है सेल्स और बेची हुई चीजें वापस आ गई, अर्निंग कम हो गई, इनकम कम हो गई, इसको सेल रिटर्न्स कहते हैं, तो सेल रिटर्न्स डेबिट, और पहले उससे पैसे लेने थे ज्यादा, अब उसने चीजें वापस कर दी तो अब उससे कम पैसे लेने हैं तो हमारा रिसीवेबल कम हो गया, सेल रिटर्न्स डेबिट और ट्रेड रिसीवेबल्स क्रेडिट। ये भी ओके? वाह यार बड़े काबिल बच्चे। उसके बाद क्रेडिटर को पैसे दे दिए, क्रेडिटर को पैसे दे दिए तो कैश कम हो गया क्रेडिट, और जिम्मेदारी कम हो गई तो जिम्मेदारी कम होगी तो डेबिट, तो क्रेडिटर डेबिट और कैश क्रेडिट। चेक दिया था, अच्छा जी बैंक क्रेडिट, चेक दिया था तो हमारे बैंक से पैसे निकले ना तो बैंक क्रेडिट हो गया। आगे क्रेडिट कस्टमर ने हमें कैश दिया है तो हमें कैश मिला है, कैश बढ़ गया एसेट बढ़ गया तो डेबिट, कैश डेबिट, और हमारा रिसीवेबल जो बंदा था वो कम हो गया तो कैश डेबिट और ट्रेड रिसीवेबल या डेटर क्रेडिट। नेक्स्ट, हाँ जी कैश बिजनेस से जा रहा है तो कैश एसेट कम हो रहा है, एसेट कम हो रहा है कैश क्रेडिट, ड्राइंग्स क्यों डेबिट,
ड्राइंग्स होने से ओनर का बिजनेस पे हक कम हो रहा है, तो ड्राइंग्स होने से इक्विटी कम हो रही है, इसलिए ड्राइंग्स डेबिट। तो ड्राइंग्स डेबिट और कैश क्रेडिट। कल इंशाल्लाह टी अकाउंट्स ट्रायल, सीडी बैलेंस, बीडी बैलेंस, कल इसकी बात समेटते हैं। अल्लाह हाफिज़।